हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रिल पैटर्न किस तरह बनाए एफएल स्टूडियो में, बहुत ही आसान। तो बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी मैं बोलता हूं आपको, हर टाइम बोलता हूं टेम्पो, टेम्पो जो होता है ड्रिल का 128 से लेकर 160 के बीच रख सकते हो, जितनी आपकी स्पीड है मैं 140 रखता हूं, या फिर आप इस पे राइट क्लिक करके यहां पे टैप भी कर सकते हो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस तरह से, जितना भी आपका टेम्पो है। मैं रखता हूं 140 मीडियम स्पीड। और नेक्स्ट चीज आती है इंपॉर्टेंट, सैंपल पैक अगर कहीं से मिल जाते हैं आपको तो डाउनलोड कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे हाई क्वालिटी, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं हर बार बोलता हूँ हाई एड से शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ पर हाई एड से शुरू करूंगा। ऑल टाइम मैं क्या करता हूँ, फिल ईच टू स्टेप इस तरह, ये हो गया ट्रैप वाला। ठीक है, अगर आपने ड्रिल बनाना, ड्रिल का जो हाई एड पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप होता है, तो पहले पे रखेंगे, फिर दो को छोड़ के तीसरे पे, फिर दो को छोड़ के तीसरे पे, इस तरह इस तरह से होता है, फिर इस तरह करना, फिर वापस पहले पे जाना, फिर दो छोड़ के तीसरे पे, फिर दो छोड़ के तीसरे पे। ठीक है, आगे सो ऑन, दो छोड़ के तीसरे पे, दो छोड़ के तीसरे पे, फिर वापस एक पे, फिर दो छोड़ के तीसरे पे, फिर दो छोड़ के तीसरे पे। बाकी इसके अंदर आप रोल्स भी दे सकते हो, जहां भी आपने देना है, जहां आपको लगे, या फिर बीच में कहीं से भी इसको हटा भी सकते हो, फिर कहीं से भी जहां आपको लगे कि बीच में इसमें इस तरह से हटा भी सकते हो, कहीं आपने रोल देना तो इस तरह भी रोल दे सकते हो, इस तरह से, इस तरह से भी जो आपने आपके दिमाग में आता उस तरह से आप रख सकते हो। ठीक है, एंड में भी रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है स्नेर। तो जो टेम्पो आपको बताया डबल है, 140 है, तो स्नेर आएगी थर्ड पे और सेवंथ पे, इसमें एक ट्विस्ट है। पहले हम स्नेर या क्लैप दो में से कुछ भी रख सकते, पहले क्लैप रखते 1 2 3 4 5 6 7, आप इस तरह भी रख सकते हो। ठीक है, पर इसमें एक ट्विस्ट है, जो ड्रिल में होता है यूके ड्रिल में क्या जाता है, ये चले जाता है 7 की जगह 8 पे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे चले जाएगा। ठीक है, या फिर 7 पे या 8 पे रख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है स्नेयर, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो या फिर दोनों को लेयर कर सकते हो। मैं हर बार बोलता हूं, तो यहां पर मैं स्नेयर नहीं रखूंगा और एंड में लेयर कर दूंगा, कुछ इस तरह का ग्रुप बना, ये तो इस तरह का बना। फिर नेक्स्ट चीज आती है जो प्रकर्शन, तो मैं हर बार बोलता हूँ प्रकर्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो प्रकर्शन आप हमेशा गैप में यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखो, जहां जहां अपनी हाई हैट में गैप है वहां पर मैं प्रकर्शन का यूज कर सकता हूं, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेम जो आपका हाई हैट का है कंट्रोल सी, उसको प्रकर्शन के अंदर भी सेम आप पैटर्न बना सकते हो इस तरह का। या फिर इस तरह बना सकते हो, दोनों को इस तरह से बना सकते हो, या फिर इसको मैं हटा देता हूं यहां से, जहां पर मैं हर बार बोलता हूं जहां गैप मिलता हूं वहां पर इसको एक्स्ट्रा जो मसाले की तरह इसको यहां पर प्लेस कर सकते हो। तो पहले ही जहां मेरे को गैप मिल रहा है यहां पर मैं प्लेस करने की कोशिश करता हूं, यह इस तरह से, यह फिर नीचे वाला प्रकर्शन रिम शॉट भी कहीं भी मैं प्लेस करूंगा, जहां यहां पर गैप लग रहा है यहां भी प्लेस कर सकता हूं, जहां अच्छा लगे सुनने के लिए, अच्छा लगने के लिए। यहां भी गैप है, यहां भी मैं प्लेस कर सकता हूं, यहां पर डबल कर दिया, जहां जहां गैप है, बाकी आपका मन करे इस तरह से आप रख सकते हो, इस तरह भी रख सकते हो। इस तरह से रख सकते हो, जिस तरह आपने रखना, गैप गैप में रखना, ये आपको समझ आ गया होना, बाकी आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा। तो ये इसमें जो किक होती है बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, डाउन बीट होती है, किक आप अपने हिसाब से रखते हैं, इस तरह से रख सकते हो, टुम या टुम 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 या टुम टुम टुम, या फिर दो तीन पैटर्न बना सकते हो अलग अलग, एक पैटर्न में किक यहां पे रखी या या फिर दूसरा पैटर्न बना दिया सेम कॉपी करके दूसरे पैटर्न में, इसको सारा पेस्ट करके फिर यहां पर किक एक यहां पर प्लेस कर दी, या फिर इसको इस तरह भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इस तरह भी रख सकते हो आप, सॉरी किक आप के ऊपर डिपेंड करता है जिस तरफ से रखनी, बहुत कम इसमें यूज होती है, और जो मेन चीज होती है वो हाई हैट होती है। एक नेक्स्ट चीज पे जो मूव करेंगे वो होता है 808, तो इसमें आपने 808 देखा होगा, सुना होगा सॉरी, बहुत ही ज्यादा ग्लाइड होती है इसमें, स्लाइडिंग वाला होता है, तो यहां पर मैं आपको डेमो देता हूं, इसीलिए इसमें किक की बहुत ही ज्यादा
कम यूज हुआ होता है, किक बहुत ही कम यूज होती है, कहीं कहीं एक दो जगह पे जैसे यहाँ पर हो गई है, ठीक है, इस तरह से होती है किक। बाकी जगह आपको जो 808 है वही रोल करता है इस तरह से। तो सेम कॉपी करूंगा ऊपर से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, F7 808 में जाएंगे और यहाँ पे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है 808, फिर यहाँ पर जहां आपके ये नोट है तो इस तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हो। बाकी जहां सुन सुन के, तो मैं यही बोलता हूँ जितने ज्यादा आप ड्रिल म्यूजिक सुनोगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है, इस तरह से ये, या फिर इसको इस तरह से रख सकते हो। सॉरी अनसेलेक्ट करता हूँ इसको, यहां से स्टार्टिंग में आपने काफी जगह सुना होगा जहां आपकी स्नेयर प्ले हो रही है उतने तक ही, उससे पहले तक ही जो अपना 808 है वो प्ले होता है। यहाँ पर देखो स्नेयर के पास गैप भी सुना होगा आपने, इस तरह भी रख सकते हो, टू 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 टू, फिर इस तरह से ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। ये एक बात हमेशा याद रखना, स्केल में आपके पास होनी चाहिए, जो भी स्केल चूज किया आपने, स्केल हाईलाइटिंग यहाँ पर उसको जैसे डी माइनर मैं चूज करता हूँ, ठीक है, इसमें माइनर स्केल ज्यादा यूज होती है तो मैं डी पे इसको प्लेस करूंगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू 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 इस तरह से रख सकते हो, जो आपके माइंड में आना चाहिए बस, टू प्रेप सॉरी प्लेस करके, ठीक, इस तरह के। तो एंड में आप क्रेजी भी जा सकते हो, इस तरह कर सकते हो, ऑल्ट इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट यू चॉप कर दिया इसको 4 पीसेस में और इसी को कॉपी करके ऊपर वाले डी पे ले गए, ठीक है। एंड में आपने सुना होना टू डू डू, इस तरह से सुना होगा टू डू डू डू, तो ऊपर वाला डी कहाँ गया यार, ये है D6 इस तरह से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इस तरह से। किसी और दिन मैं इस पे लेक्चर बनाऊंगा, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस तरह से आप ग्लाइड कर सकते हो जो अपना 808 है, ठीक है। और एंजॉय करो इस बीट को, और वीडियो अच्छी लगी है तो पता ही आपको क्या करना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करो इस बीट को।